हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल भारद्वाज और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे तमिलनाडु की तरफ से एक बहुत ही एम्बिशियस गोल अनाउंस किया गया है कि तमिलनाडु जो है 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक। ऐसा तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने कहा है कि हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो तमिलनाडु को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है बाई 2030। बहुत ही एम्बिशियस गोल है, क्योंकि अगर आप आज इंडिया की जीडीपी का साइज़ देखते हैं, ओवरऑल कंप्लीट जो इंडियन जीडीपी है वो लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड इसका साइज है। अगर हम इसको 3 ट्रिलियन डॉलर पे मान लेते हैं तो अराउंड 1/3 ऑफ इंडियाज जीडीपी एट प्रेजेंट, जो इंडिया की जीडीपी है उसका 1/3 ये यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। किस तरह से इसको अचीव करना चाह रहे हैं, क्या ये केवल यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ही किया गया है या फिर इसके पीछे काफ़ी कॉन्क्रीट स्टेप लिए गए हैं, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या उनसे ये जो गोल है अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता, किस तरह से इंडिया के दूसरे स्टेट्स यहाँ से कुछ लर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे हम स्टेट्स को कंपैरिजन भी करेंगे, स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से। बड़े जो स्टेट हैं जैसे यूपी है, पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इंडिया का, इंडिया की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे ये कहाँ प्लेस करते हैं, पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा आपके काफ़ी फ्री सेशंस होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। देखिए, रिसेंटली अभी इन्वेस्टमेंट कंक्लेव यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट कंक्लेव कंक्लूड हुआ है, जहाँ पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी सारे एमओयू एक तरह का एग्रीमेंट होता है, वो साइन करे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाने की बात की जा रही है और 55,000 जॉब्स को क्रिएट करने की बात की जा रही है। इसी कॉन्क्लेव में जो एमके स्टालिन है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, वो है तमिलनाडु को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट कंडक्टिव किया जाए। इसका मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ये बात कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्रिएट हो। अगर इस इन्वेस्टमेंट कंक्लेव की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स हैं, टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे ये लोटस फुटवियर है, इसकी तरफ से लगभग 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद JSW रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो कंपनी है ये विंड एनर्जी के अंदर काम करेगी, लगभग 450 मेगावाट का एक जो है विंड पावर के लिए यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग 3,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से आपका TCS, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पे IT पार्क में इन्वेस्ट कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। श्रीवरु मोटर्स जो है, ये जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल इलेक्ट्रिक जो आप देखते हैं, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉर्ब्स 500 की कंपनी है, और रेवेन्यू के हिसाब से देखोगे इंडिया अमेरिका के अराउंड टॉप 40 के अंदर इसका प्लेस है। बहुत बड़ी ये कंपनी है और इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, एरोनॉटिकल कंपोनेंट्स ये बनाता है, एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्रीज, इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी लगाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, तो ये बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है तमिलनाडु के लिए, जो इसको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से काफ़ी डाइवर्सिफाइड ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने देखा IT से लेके एविएशन सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी से लेके और ये क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक बनाने तक, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु की तरफ से। ये MOUs आपके साइन हुए। इसके अलावा स्टालिन ने काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी फाउंडेशन भी रखी है, फॉर एग्जांपल 4,000 करोड़ समथिंग का ये जो प्रोजेक्ट है, इनको स्टार्ट यहाँ पे किया गया है, और जितने भी ये MOUs यहाँ पे साइन हो रहे हैं, जिनकी हमने बात की 17,000 करोड़ समथिंग, तो ये MOUs हैं, अब इनमें से कितने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक सिंगल विंडो पोर्टल अनाउंस किया गया। सिंगल विंडो पोर्टल का मतलब है कि आपको जो भी जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप एक ऑफिस में जाते हैं, दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑफिस में जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बिजनेस करने वाले हैं या जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जितनी भी क्लियरेंसेज हैं, लगभग 24 डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे क्लब किए गए हैं, और उनसे रिलेटेड 100 सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगी, इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जिसमें आपकी जो प्रोसेसिंग है क्लियरेंस की वो फास्ट होगी, वर्चुअल मीटिंग्स आप कर सकते हैं, चैटबॉट फैसिलिटी है जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, एंड अप्रूवल फॉर सेलेक्टेड क्लियरेंस, प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियरेंस की जा सकती है। तो ये ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इसका, ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करना, इन्वेस्टमेंट को ईजी बनाना, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके।
ओवरऑल हम बात करें 2030 का जो गोल है तमिलनाडु का वो है 23 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना और 46 लाख न्यू जॉब्स को क्रिएट करना। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना जरूरी है और उसका प्रयास किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अलावा अगर आपको इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली आपको नए जो बिजनेस है वो चाहिए, तो इसके लिए स्टार्टअप को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना होगा। स्टार्टअप मतलब नए जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको प्रमोट करना होगा। इसी के रिगार्डिंग तमिलनाडु ने यहाँ पे स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए डिजिटल एसिलरेटर प्रोग्राम आपका मेंशन किया है। जो नए स्टार्टअप प्रोजेक्ट है उनको ग्रांट्स दी जाएगी, फंड सपोर्ट दिया जाएगा ताकि नए बिजनेस जो है डेवलप हो सके। इसी के अंदर अगर हम देखें तमिलनाडु की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो तमिलनाडु के सीएम ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम $1 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट यहाँ पे इन्होंने लगाया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस न्यूज़ को देखते हैं, एस्टर डुफ्लो जो कि नोबल लॉरेट हैं, रघुराम राजन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, इस तरह की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तमिलनाडु की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया है। रिसेंटली तमिलनाडु ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया था लास्ट मंथ, और वहाँ पे इस तरह के जो बड़े नाम हैं, फॉर एग्जांपल रघुराम राजन को हमने देखा, इंडिया के फॉर्मर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम हैं ये यहाँ पे रहेंगे, नोबल लॉरिएट एस्टर डुफ्लो यहाँ पे हैं, इसके अलावा जीन ड्रिजी जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, तो बहुत ही एक्सपर्ट जो इकोनॉमिस्ट है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इनको जो है तमिलनाडु की इकोनॉमी का, वहाँ की सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का भी एक्सपीरियंस है। जैसे अगर हम बात करें अरविंद सुब्रमण्यम इज देयर, तो ये तमिलनाडु को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। ताकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इनसे एडवाइस चाहिए, इस काउंसिल की जो रिकमेंडेशन होगी, ये जो एक्सपर्ट पैनल है इसकी रिकमेंडेशन होगी, इसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन में है कोविड की वजह से, है ना, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनइक्वालिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ का चैलेंज है। तो इस तरह से हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करते हुए तमिलनाडु को एक जो है सबसे बड़ी एक पूरे स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी ये ग्रोथ के रूप में लेके जाना चाह रहे हैं। ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कितना है, देखिए जीडीपी जो होता है दैट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब होता है कोई भी जो इकोनॉमी है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइन, इनका जो मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो हो गया इंडिया का जीडीपी। अगर हम किसी स्टेट की जीडीपी की बात करेंगे तो वो होगा उस स्टेट का जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन है उसका मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र जो है फर्स्ट नंबर पे है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में, दैट इज़ अराउंड 14%, लगभग 14% महाराष्ट्र अकेला कंट्रीब्यूट करता है, फॉलोड बाय द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, फाइन, और तमिलनाडु का ये जो प्रयास है बहुत ही अप्रिशिएबल है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, और तमिलनाडु यहाँ पे जाना चाह रहा है। थर्ड नंबर पे अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश, जो कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे है, फाइन, तमिलनाडु से भी पीछे है। और स्टेट्स की बात करें तो गुजरात आपका फोर्थ नंबर पे है, कर्नाटका आपका फिफ्थ नंबर पे। ये जो स्टेट्स है, डेटा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से लिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ओवरऑल अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, अगर राजस्थान को देखें, एरिया के परस्पेक्टिव से सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, और ये आपका 7वें नंबर पे है। बिहार आपका 14वें नंबर पे है, और दिल्ली की बात करें तो ये 12th नंबर पे है। कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो जो टॉप 5 स्टेट हैं, जो अभी हमने देखा था, यू हैव दैट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओके, यूपी, गुजरात एंड कर्नाटका, ये जो टॉप 5 स्टेट है ये मिलके लगभग 46% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इन पांचों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की जीडीपी का लगभग 45-46% है, या हम कहें लगभग 50% तक है। 5 स्टेट्स इन द साउथ इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर क्लोज टू द 30%, मतलब साउथ इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 1/3 है इंडिया की जीडीपी में। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी चैलेंजेस हैं। ओवरऑल हम बात करें तो तमिलनाडु का ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है उसकी स्प्रिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये कॉन्सेप्ट है और नीति आयोग भी इसको प्रमोट करता रहा है। इसमें यह है कि स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करेंगे किस चीज़ के लिए, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, ओके, उसके लिए वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म करेंगे, लेबर रिफॉर्म करेंगे और गवर्नेंस के रिफॉर्म करेंगे, गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा। तो उससे क्या होगा, स्टेट्स अपने आप में भी इंप्रूव करेंगे,
और यही स्पिरिट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, और इसी के रिगार्डिंग तमिलनाडु का ये इनिशिएटिव देखा जा सकता है। ओवरऑल हम बात करें तो तमिलनाडु से इंस्पायर होके या कंपटीशन की स्पिरिट से दूसरे जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है, एट्सेट्रा, ये भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं। देखते हैं किस तरह से रिफॉर्म लाए जाएँ। और दिस इज़ अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे आपके डेली बेसिस पे सेशंस डिस्कस होते हैं, ओके, डेली फ्री क्लासेस होती हैं, उनको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन ओके जो है उसकी जो प्राइस है दैट इज़ 57,000, जिसमें आपका GS प्लस ऑप्शनल इंक्लूड है। ये प्राइस आपका 1 अगस्त से हाइक होने वाली है, 1 अगस्त से ये प्राइस बढ़ने वाली है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, एट प्रेजेंट आपको ये 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर, और आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। फाइन, इसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। श्योर वीक के अंदर आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स हिंदी इंग्लिश में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दिस ओके, ये प्लान आपको मिलेंगे। अपना आपको जो प्लान सूट करता है वो सेलेक्ट कीजिए। पुट द कोड RBLIFE टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक जहाँ पे डेली डाउट सॉल्विंग पर्सनल मेंटरिंग दी जाती है। इसके अलावा केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है। नए बैचेज आपके 28 जुलाई से स्टार्ट हैं, जिसमें 2021, 22 और 23 वाले जो बच्चे हैं वो अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। PDF और डाउट के लिए इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हर संडे आपका सुबह 11 बजे कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसके अंदर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट।